धनबाद एसीबी की टीम घुसखोर कर्मियों पर शिकायत मिलने के बाद लगातार कार्रवाई कर रही है। एसीबी की टीम ने तोपचांची अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी सुशील कुमार सिन्हा को रिश्वत की 5,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ दबोच लिया है। मौके से एसीबी की टीम ने घुसखोर राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिए। एसीबी की कार्रवाई से तोपचांची अंचल कार्यालय के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कर्मचारी अपने दफ्तर छोड़ बाहर भाग निकले। बताया जा रहा है कि तोपचांची प्रखंड के सिंगटी निवासी शरद कुमार महतो से राजस्व कर्मचारी नेशनल हाईवे पर जमीन अधिग्रहित से संबंधित रिपोर्ट धनबाद भू अर्जन कार्यालय को सौंपने को लेकर रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायतकर्ता ने एसीबी की टीम से की थी। शिकायत के बाद एसीबी की टीम जाल बिछाकर घुसखोर राजस्व कर्मचारी को ट्रैप किए। एसीपी डीएसपी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि तोपचांची प्रखंड के सिंगडी निवासी शरद कुमार महतो के शिकायत पर राजस्व कर्मचारी सुशील कुमार सिन्हा को 5,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। नेशनल हाईवे पर शरद कुमार महतो का जमीन अधिग्रहित किया जा रहा था, जिसे लेकर धनबाद भू अर्जन कार्यालय के द्वारा जमीन संबंधित रिपोर्ट की मांग की गई थी। रिपोर्ट सौंपने के एवज में 10,000 रुपए की मांग गया था, जिसकी एडवांस रिश्वत राशि आज 4,000 देने के क्रम में गिरफ्तार किया गया। सिंधी के रहने वाले हैं, सिंधी तो चाची के रहने वाले हैं, उनका जो है जमीन 8 लेन में जो 6 लेन बन रहा है उसमें उनका जमीन गया था और उसके लिए उनको मुआवजा मिल रहा था। उस मुआवजा के लिए LRDC ऑफिस से भूअर्जन जिला भूअर्जन कार्यालय से रिपोर्ट मांगा गया था CO के माध्यम से, CO तो चाची के माध्यम से। उसी को रिपोर्ट को भेजने के एवज में उप निरीक्षक सुशील कुमार सिन्हा के द्वारा जो है रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसका सत्यापन किया गया। सत्यापन के उपरांत उस बात को सही पाया गया और आज जो है उनको 5,000 रुपये घूस लेते हुए टोटल कितना डिमांड किया था? 10,000 रुपये डिमांड था, लेकिन उसमें नेगोशिएशन हुआ था और 5,000 रुपये में उनके साथ सौदा तय हुआ। कितने आदमी पकड़ाया सर? एक आदमी। ठीक है।